हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज हम आपको एक नया टॉपिक प्रश्नावली 4 सारणी के बारे में बताएंगे। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने सारणी के अंदर हमको किन किन बातों का अध्ययन करना है। तो हम सारणी में सबसे पहले देखेंगे कि सारणी के होता क्या है, उसके बाद हम सारणी का मान निकालना सीखेंगे, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है सारणी के गुणधर्म, कि सारणी के कौन कौन से गुणधर्म हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि सारणी में किसी अवयव का उपसारणी और सहखंडज कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में पढ़ना होगा सारणिकों का गुणा, अर्थात दो सारणिकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप सारणी की परिभाषा, कि सारणिक होता क्या है। तो टॉपिक डालेंगे सारणी की परिभाषा, क्या डालेंगे सारणी की परिभाषा। सारणी की परिभाषा की यदि बात करें, डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी की परिभाषा तो लिखेंगे सारणिक एक ऐसा वर्ण होता है, सारणिक एक ऐसा वर्ण है, सारणिक एक ऐसा वर्ण है जो किसी वर्ग आभिन्न को करता है। दोबारा से देखेंगे, जो सारणिक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। टॉपिक है आपका सारणिक और आप सबसे पहले देख रहे हैं सारणिक की परिभाषा। सारणिक होता क्या है, सारणिक एक ऐसा वर्ण होता है जो किसी वर्ग अभिन्न को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। अर्थात देखिए, इस फलन का जो किसको प्रतिबिंबित कर रहा है संख्यात्मक मान में, वर्ग आभिन्न को, अर्थात इस जो फलन है इसका प्रांत तो क्या हो गया वर्ग आभिन्न और परिसर हो गया संख्यात्मक मान। ये संख्यात्मक मान है वो वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो दोबारा सुनिए, सारणिक एक ऐसा फलन है जो किसी वर्ग आभिन्न को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है, किसी संख्या को सारणिक एक संख्या को सारणिक एक संख्या को वर्गाकार रूप में सारणिक एक संख्या को वर्गाकार रूप में लिखने का एक तरीका है। जो सारणिक है वास्तव में क्या होता है कि संख्या सिर्फ उसको हम एक आकृति प्रदान कर देते हैं, कौन सी आकृति वर्गाकार। तो सारणिक है किसी संख्या को वर्गाकार रूप में लिखने का मात्र क्या है तरीका है, लिखने का एक मात्र क्या है तरीका है। वास्तव में एक सारणिक एक संख्या का ही रूप है, प्रत्येक सारणिक के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक संख्या मिलती है, अर्थात जो सारणिक है वो क्या है एक संख्या का वर्गाकार रूप में लिखने का ही मात्र एक तरीका है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, सारणिक एक ऐसा वर्ण है जो किसी वर्ग आभिन्न को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है, या इसकी आप दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, सारणिक एक संख्या को वर्गाकार रूप में लिखने का एकमात्र तरीका है। अब देखिए, आप टॉपिक दूसरा डालेंगे, पहले आपने मैट्रिक्स पढ़ा था, अब आप पढ़ रहे हैं सारणिक। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि
मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर है। तो अगला है जानेंगे सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर, आव्यूह तथा सारणिक में अंतर, आव्यूह तथा सारणिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो फिर जानेंगे सारणिक तथा दूसरा टॉपिक क्या डालेंगे, सारणिक तथा आव्यूह में अंतर, सारणिक तथा आव्यूह में अंतर। अब देखिए आव्यूह में क्या देखा था आपने, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सारणिक में तो आपने स्पष्ट लिखा है वर्ग आव्यूह, अर्थात वर्ग आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, लेकिन आव्यूह के अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो सबसे पहली बात तो यही अंतर हो गया कि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, जबकि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे दो भावों में डिवाइड कर लेंगे कॉपी को, इधर डाल देंगे सारणिक, क्या डाल देंगे सारणिक, और फिर स्टार्ट डाल देंगे आव्यूह, क्या डालेंगे आव्यूह। तो पहला आंसर तो यही हो गया कि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, सारणिक में पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान होती है। जो सारणिक है उसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान, लेकिन आव्यूह में, लेकिन आव्यूह में पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी। कोई जरूरी नहीं है कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, समान भी हो सकती है और नहीं भी, अर्थात असमान भी हो सकती है, हो सकती है समान भी हो सकती है और ऐसे लिख लीजिए और असमान भी हो सकती है, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, क्लियर सभी के। तो आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा समान रहेगी। अब देखिए जब इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, अर्थात सारणिक का जो क्रम है, सारणिक का जो क्रम है वो क्या होगा, एन बाई एन होगा, अर्थात एन पंक्ति है तो एन ही स्तंभ का होगा, सारणिक का क्रम एन बाई एन प्रकार का होता है। जो सारणिक का जो क्रम है वो एन बाई एन प्रकार का होता है, जबकि जबकि आव्यूह का जो क्रम है, जबकि आव्यूह का क्रम एन बाई एन प्रकार का होता है, एन बाई एन प्रकार का होता है, ठीक है सभी के। अब देखिए n समान n के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो सारणिक का क्रम n बाई n क्रम का होता है, जबकि आव्यूह है वो n बाई n प्रकार की होती है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, आप परिभाषा से देख चुके हो सारणिक क्या है, एक संख्या को वर्गाकार रूप में लिखता है, तो क्या आता है सारणिक की संख्या होती है, अर्थात सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। पहली डेफिनेशन में यही था कि जो फलन है सारणिक एक ऐसा फलन है जो किसी सारणिक को, सारणिक एक ऐसा फलन है जो किसी सारणिक को क्या करता है, एक संख्या पर प्रतिबिंबित करता है। तो बताइए सारणिक का क्या होता है, मान होता है,
सैन्य का एक संख्यात्मक मान होता है, क्या होता है संख्यात्मक, सैन्य का एक संख्यात्मक मान होता है, जबकि आपने देखा था आदमी का कोई भी एक संख्यात्मक मान नहीं होता है, आदमी का मान ही नहीं होता है, सिर्फ एक तो संख्यात्मक लिखने का स्तंभों सॉरी अभिमन तथा संख्या को लिखने का एकमात्र तरीका है, जबकि सारणी का एक संख्यात्मक मान होता है और आवेग का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है, जबकि आवेग का एक संख्यात्मक मान जबकि आवेग का संख्यात्मक मान नहीं होता है, सारणी का एक संख्यात्मक मान होता है जबकि आवेग का संख्यात्मक मान नहीं होता है, आवेग का संख्यात्मक मान नहीं होता है, क्लियर है। तो ये क्या हुआ सारणी तथा आवेग में अंतर, पहला अंतर ये है कि सारणी में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी समान होगी, जबकि आवेग के अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी, क्लियर सभी के। जब इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है अर्थात इसका क्रम क्या होगा n बाई n प्रकार का, क्लियर है। जो पंक्ति है वही स्तंभ होंगे, जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ होंगे, और इसमें जो आवेग है उसमें कोई जरूरी नहीं है, जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे, अर्थात इसका जो क्रम है वो क्या होगा एन आई एम प्रकार का, क्लियर सभी के। अगला अंतर है सारणी एक संख्यात्मक मान रखता है जबकि आवेग का एक संख्यात्मक मान नहीं होता है। आप देखिए तो आप पढ़ चुके थे सारणी में संख्यात्मक मान होता है पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, इसमें एक बात और बतानी थी आपको, जो सारणिक है तो इसको नोट में लिख लीजिए एक बार, इसको परिभाषा में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, जो मैं नोट लिखा रहा हूं वो चीज आपको इसकी जो सारणिक की परिभाषा लिखाई है उसमें ही लिखनी है, क्या है सारणिक के आवेगों को अंग्रेजी वर्णमाला के सारणी के अवयवों को दो समांतर रेखाओं के अंदर व्यक्त करते हैं, सारणी के अवयवों को दो समांतर रेखाओं के अंदर व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए एक दो चार पांच छह सात, बताइए क्या अभी ये कोई मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स को या तो छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक या दो दो समांतर रेखाओं के अंदर व्यक्त कर देते, तो मैट्रिक्स भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सारणिक है क्या, ये सारणिक भी नहीं है क्योंकि इसमें दो पंक्ति हैं और तीन स्तंभ हैं, जबकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, तो सारणिक बनाने के लिए इसमें आपको एक पंक्ति और ऐड करनी पड़ेगी 1 0 -1 कुछ भी कर दीजिए, तो एक इसका उदाहरण है एक सारणिक का, क्लियर है। तो सारणिक के अवयवों को हम दो समांतर रेखाओं के अंदर व्यक्त करते हैं, क्लियर है। अब देखिए और इसका क्रम क्या है 3 by 3, अब कोई इसको 3 by 3 क्रम की जो आवेग है सॉरी सारणिक है इसको आप 3 क्रम की सारणिक भी बोल सकते हो, नोट फर्स्ट और सेकंड में लिख लीजिए शॉर्ट में n by n क्रम की
एन बाई एन क्रम की सारणी को एन क्रम की सारणी भी बोल सकते हैं। एन क्रम की सारणी भी बोलते हैं। क्लियर सभी के? जैसे कि कोई सारणी है उसका क्रम क्या है? तीन बाई तीन। इसको आप ये भी बोल सकते हो तीन क्रम की सारणी। तीन बाई तीन क्रम की सारणी को क्या बोल सकते हो आप? तीन क्रम की सारणी। तीन क्रम की सारणी बोले या फिर तीन बाई तीन क्रम की सारणी बोले, बात एक ही है। जैसे आप आगे में देखते थे जो क्षैतिज लाइन में क्या कराती थी? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कराते थे? स्तंभ। इसी प्रकार से सारणी में भी आपकी ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। क्लियर है सभी के? तो अगला टॉपिक डालेंगे सारणी का मान ज्ञात करना। टॉपिक क्या डालेंगे? सारणी का मान ज्ञात करना। आपके सिलेबस के अंदर एक क्रम की सारणी, दो क्रम की सारणी और तीन क्रम की सारणी, तीन प्रकार के क्वेश्चन है। सिर्फ आपको सिर्फ एक क्रम की, दो क्रम की और तीन क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना है। तो पहले डालेंगे टॉपिक, मेन टॉपिक डालेंगे आपका सारणी का मान ज्ञात करना। सारणी का मान ज्ञात करना। सबसे पहले डालेंगे एक क्रम की सारणी का मान। एक क्रम की सारणी का मान। एक क्रम की सारणी का मतलब क्या होता है? एक पंक्ति और एक ही स्तंभ। एक क्रम की सारणी क्या होगी? ए वन वन। क्लियर सभी के? इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। जब एक पंक्ति एक स्तंभ हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक क्रम की सारणी। क्लियर सभी के? एक क्रम की जो सारणी का मान है जिसके अंदर जो अवयव होगा वही उस सारणी का मान होगा। ए वन वन है तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए वन वन। एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपको सारणी दो का मान निकालना है तो क्या होगा? दो। सारणी तीन का मान तीन माइनस सारणी तीन का मान माइनस तीन। क्लियर है? जो अवयव है वही उसका मान होता है। कब? जब एक क्रम की सारणी दी हुई है। अगला टॉपिक अगला हेड डालेंगे दो क्रम की सारणी का मान। दो क्रम की सारणी का मान क्या डालेंगे? दो क्रम की सारणी का मान। अब देखिए दो क्रम की जो सारणी है उसका मान कैसे निकालेंगे? दो क्रम की सारणी है अर्थात उसमें दो ही पंक्ति है और दो ही स्तंभ है। तो दो क्रम की सारणी किस प्रकार की होगी? ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू। ये क्या हो गई? दो क्रम की सारणी। क्लियर सभी के? तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप ऊपर से तिरछा गुणा करेंगे, ए वन वन का गुणा करेंगे आप ए टू टू से। तो इसका मान होगा तो क्या होगा? ए वन वन इंटू ए टू टू। किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। फिर आप ऊपर से ऐसे गुणा करेंगे, ए वन टू का गुणा करेंगे आप ए टू वन से। क्या करेंगे? ए वन टू का गुणा करेंगे आप ए टू वन से। क्लियर है सभी के? जब आपको दो क्रम की सारणी का मान निकालना है, जब आपको दो क्रम की सारणी का मान निकालना है तो क्या करेंगे बताइए? पहले ऐसे गुणा करेंगे, ए वन वन का गुणा करेंगे आप ए टू टू से। तो करिए ए वन वन इंटू ए टू टू, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ए टू वन का गुणा करेंगे आप ए वन टू से, तो ये हो जाएगा ए वन टू इंटू ए टू वन। क्लियर है सभी के? एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप दिया हुआ है ए चार सॉरी दो चार माइनस एक और छह, इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे? पहले ए वन वन का गुणा ए टू टू से, अर्थात दो का गुणा किससे करेंगे? पहले छह से। तो कितना हो जाएगा? बारह।
चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस एक का गुणा चार से करिए तो कितना आएगा? माइनस चार। क्या आएगा? माइनस चार। तो ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर है सभी के? एक एक का एग्जांपल और देखिए, ये आपको दिया हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। तो पहले क्या करेंगे? साइन एक्स को साइन एक्स करेंगे, पहले गुणा करते हैं ऊपर से, साइन एक्स को गुणा साइन एक्स से करेंगे तो क्या आएगा बताइए? साइन स्क्वायर एक्स। क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन किसका आएगा? माइनस का। गुणा करना है आपको माइनस कॉस एक्स का कॉस एक्स से, तो क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर सभी के? तो एक क्रम के जो सामने का मान है, मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो अवयव दिया हुआ होता है वो ही उस सारणी का मान होता है। अर्थात सारणी 2 का मान क्या होता है? 2। सारणी 3 का मान क्या है? 3। माइनस सारणी 3 का मान क्या है? माइनस 3। क्लियर है सभी के? अब देखेंगे 2 क्रम की सारणी का मान। सपोज आपकी 2 क्रम की सारणी ये है a11 a12, 2 क्रम की सारणी का आकार 2x2 क्रम की सारणी a11 a12 a21 a22। क्लियर है सभी के? अब देखिए, अब आपको क्या करना है? a11 का गुणा करना है a22 से, तो ये हो जाएगा a11 * a22 माइनस a21 * a12। क्लियर है सभी को? अब देखो 2 का गुणा इस सारणी का मान कैसे निकालेंगे? 2 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। माइनस माइनस 1 का गुणा किससे करेंगे? 4 से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। क्लियर है सभी को? अब देखिए आगे, आपका अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, sin x cos x माइनस cos x sin x। जब आप sin x गुणा sin x से करेंगे तो क्या मिलेगा? sin स्क्वायर x। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस cos x का गुणा cos x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर सभी के? तो अगला टॉपिक डालेंगे 3 क्रम की सारणी का मान। अगला टॉपिक डालेंगे 3 क्रम की सारणी का मान। तीन क्रम की सारणी का मान तीन क्रम की अभी डालेंगे तीन क्रम की सारणी का मान। देखो तीन क्रम की जो सारणी का मान है, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो प्रसार नियम से, क्या है? प्रसार नियम से, और दूसरा है आपका सारस नियम से। किस नियम से? सारस के नियम से। आपकी जो तीन क्रम की सारणी है उसका मान आप दो तरीके से निकाल सकते हो, प्रसार नियम से और दूसरा है सारस नियम से। तो सबसे पहले देखेंगे प्रसार नियम से तीन क्रम की सारणी का मान। तो इसमें फर्स्ट डालेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट ये डाल दीजिए, टॉपिक डालेंगे प्रसार नियम से, प्रसार नियम से तीन क्रम की, प्रसार नियम से तीन क्रम की सारणी का मान। टॉपिक डालेंगे प्रसार नियम से तीन क्रम की सारणी का मान। प्रसार नियम से तीन क्रम की सारणी का मान। क्लियर सभी को? अब देखिए, माना तीन क्रम की कोई सारणी है, माना माना तीन क्रम की सारणी बराबर
बराबर क्या है, कि मानक के क्रम की सारणी बराबर क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये कितनी है, 3/3 क्रम की सारणी। अब आपको किस प्रकार की सारणी का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करनी है, इस प्रथम पंक्ति के अनुसार में इसका मान निकालना हो, प्रथम पंक्ति के अनुसार इस सारणी का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस A11 को लिखेंगे, क्या करेंगे, A11 को लिखेंगे, लिख लीजिए, ये बराबर हो जाएगा A11। अब आप इस जो ये A11 जिस पंक्ति में आ रहा है और जो स्तंभ में आ रहा है, जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है, उसको बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, दबा लीजिए, तो आप क्या मिलेगा बताइए, A22, A23, A32 और A33, उस सारणी को आप इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। क्लियर है सभी के लिए, दोबारा से सुनेंगे, जो A11 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है, उन सभी अवयवों को हटा देंगे और जो सारणी मिलेगी उसको इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो बताइए क्या मिलेगी, इसको हटाइए और इसको हटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, A22, A23, A32 और A33। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप A11 रखेंगे, जो A11 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है, इसके अलावा जो मैट्रिक्स बच रही है, क्या बच रही है, जो सारणी बच रही है उसको इस अवयव के मल्टीप्लाई में लिख देंगे, पहले प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर किसका आएगा, माइनस का। क्लियर सभी को, अब देखिए, अब आप दूसरा अवयव लेंगे A12, वही काम दोबारा से, A12 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है, A12 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटाएंगे, और इसके अलावा जो कुछ बच रहा है, इसके अलावा जो कुछ बच रहा है, जो सारणी बच रही है उसके इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो बताइए क्या बच रही है, A21, A31, A23 और A33। क्लियर है, पहले प्लस का चिन्ह फिर माइनस का चिन्ह, प्लस A13। अब वही काम दोबारा से, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को दबाएंगे और इस पंक्ति को दबाएंगे, तो क्या मिलेगा बताइए, A21, A22, A31 और A32। क्लियर है सभी को, और अब आपको इसकी दो क्रम की सारणी जिसका मान आप निकालना जानते हो, क्लियर है सभी को, तो क्या करना है, पहले अवयव को रखेंगे, उसके बाद इसके गुणा में इस अवयव पंक्ति में जो अवयव जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा देंगे, उसके अलावा जो आपको सारणी मिल रही है उसको क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले प्लस चिन्ह आएगा, फिर किसका आएगा, माइनस का। A12 इस पंक्ति में आ रहा है, इस स्तंभ में आ रहा है, तो उसको हटा देंगे, तो क्या मिलेगा बताइए, A21, A23, A31, A33 प्लस माइनस, फिर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, प्लस A13, इसको दबा लीजिए, तो क्या मिलेगा, A21, A22, A31 और A32। क्लियर सभी को, अब एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपको मान निकालना है 1-1 0 2 4 5 6 2 -1। इस आपको ये 3/3 क्रम की सारणी का है और इसका आपको मान निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले अवयव रखेंगे, इस पंक्ति को हटाएंगे और इस स्तंभ को हटाएंगे, तो बताइए कौन सी सारणी मिलेगी आपको, 4, 5, 2 और -1। क्लियर है सभी को, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। A12 क्या है, -1, क्या है, -1। आप कौन सी A12 हटाइए यहां से, ये स्तंभ हटेगा और ये पंक्ति हटेगी, तो ये हो जाएगा 2, 5, 6 और -1। आप जो यहां पर लिख रहे हो उस
चार का गुणा माइनस एक से करेंगे तो क्या आएगा माइनस चार, दो का गुणा पांच से करिए कितना आएगा माइनस दस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन इंटू, बताइए दो का गुणा माइनस एक से करिए तो क्या आएगा माइनस दो माइनस तीन, दो का गुणा माइनस एक से करेंगे तो माइनस दो माइनस, पांच का गुणा छह से करेंगे तो क्या आएगा तीस, प्लस जीरो इंटू टू का गुणा टू से करो तो क्या आ जाएगा फोर, माइनस सिक्स का गुणा फोर से करो तो कितना हो जाएगा चौबीस, क्लियर है सभी को, तो माइनस चार और माइनस दस कितने हो जाएंगे माइनस के चौदह, प्लस माइनस दो और माइनस तीस कितना होगा माइनस के बत्तीस, प्लस जीरो का गुणा से करेंगे तो जीरो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के सिक्स फोर यानी कि माइनस के चालीस, तो इस मैट्रिक्स सारणी का मान क्या आया माइनस के 46, क्लियर सभी को। अब अगला टॉपिक डालेंगे क्रैमर नियम से, क्रैमर नियम से तीन क्रम की सारणी का मान, क्रैमर नियम से तीन क्रम की सारणी का मान आप बोल सकते हो सारुष के नियम से, क्रैमर नियम या सारुष नियम बात एक ही दोनों, सारुष के नियम से, सारुष के नियम से तीन क्रम के, तीन क्रम की सारणी का मान, सारस के नियम से तीन क्रम की सारणी का मान कैसे निकालते हैं, देखिए अभी आपने देखा था जो तीन क्रम की जो सारणी क्या है वो किस रूप की होती है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, इसका क्रम क्या है थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री बोले या फिर थ्री क्रम की बोले, बात देखिए आपको सारस के नियम से इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले सारणी के अवयवों को ऐसे कैसे लिख लीजिए, ऐसे कैसे लिख लीजिए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, जब आपको सारस के नियम से तीन क्रम की सारणी का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी के जो अवयव हैं उनको ऐसे कैसे लिख देंगे, उसके बाद जो आपकी पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है, सबसे पहले क्या रखेंगे आप जो सारणिक है उसके प्रत्येक अवयव को ऐसे के ऐसे रखेंगे और जो प्रथम पंक्ति सॉरी प्रथम स्तंभ और दूसरा स्तंभ इसको आगे रखेंगे, क्या करेंगे प्रथम स्तंभ और दूसरे स्तंभ को दोबारा से रखेंगे, लिख लिए ए वन वन ए टू वन और ए थ्री वन, ये हो गया आपका पहला स्तंभ, दूसरे स्तंभ को भी दोबारा लिखिए ए वन टू ए टू टू और ए थ्री टू, क्लियर सभी के, तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे जो सारणिक है उसको ऐसे कैसे रखेंगे और प्रथम स्तंभ और दूसरे स्तंभ को दोबारा से लिखेंगे, आप देखिए ऊपर से पहले अवयव से यहां से आप पहले अवयव यहां से एक तीसरा से लगाएंगे इस प्रकार से, फिर यहां से लगाएंगे दूसरा फिर आपका ये तीसरा चल इस प्रकार से हुआ, तो आप पहले तीन तीन के चल लाएंगे ऊपर से पहला दूसरा और तीसरा, अब तो लगा रहे थे आप ऊपर से, अब लगाना होगा आपको नीचे से लगाइए, तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया आपका दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है दोबारा से सुनिए, पहले आप ऊपर से तीन का चल चालू करेंगे एक दो तीन, इसी प्रकार नीचे
प्लस पहले इन तीनों अवयवों को गुणा करिए, प्लस इन तीनों अवयवों को गुणा, प्लस इन तीनों अवयवों का गुणा। तो लिख लीजिए a11 a22 a33 प्लस a12। इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं देखिए a12 a23 इंटू a23 इंटू a31 a31 प्लस, अब देखिए इस लाइन पर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, a13 a13 a21 a21 इंटू a13 a21 और a32 a32। इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उन सब का आपस में गुणा करके जोड़ना है। इन सभी को गुणा करिए, प्लस इन तीनों अवयवों का गुणा, प्लस इन तीनों अवयवों का गुणा। आपको माइनस करना है इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनके गुणा, माइनस इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा, माइनस इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा। तो करिए, गुणा करना है आपको a31 का गुणा करना है a22 और a13 से, माइनस a31 इंटू a22 a31 a22 इंटू a13 माइनस a32 इंटू a23 इंटू a11 माइनस, पुनः करिए a33 इंटू a21 इंटू a12। क्लियर सभी के? तो जो सामने का मान है वो क्या आएगा, a11 इंटू a22 इंटू a33 प्लस a12। अर्थात इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा, प्लस इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा, प्लस इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा। आपको माइनस करना है इनकी अवयवों की गुणा, माइनस इनकी अवयवों का गुणा, माइनस इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा। तो आपको एग्जांपल से आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा आपका। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। सपोज आपको एक क्वेश्चन तीन क्रम की सारणी दी हुई है, आपको तीन क्रम की कोई सारणी है, आपको सारणी दी हुई है ए बराबर 2 4 2 4 1 8 5 2 -1 3 और 7। तो आपको इस सारणी का मान निकालना है। इस सारणी के मान को आप डिटरमिनेंट ए से कट कर सकते हो। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो एक सारणी है एक संख्या को वर्गाकार रूप में लिखने का मात्र एक तरीका है, अर्थात प्रत्येक सारणी के संगत आपको एक संख्या मिलेगी। क्लियर सबको? अब देखिए मैं ये कह रहा हूं, आप सारस के नियम से आप तीन क्रम की सारणी का मान निकाल रहे हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, पहला तरीका कौन सा है, प्रसार नियम से। अब हम बात कर रहे हैं सारस के नियम से। सारस का नियम कहता है जो सारणी है उसको ऐसे कैसे लिख लीजिए पहले, तो लिखिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 4 1 8 8 5 2 -1 3 और 7। क्लियर है? पहले तो सारणी को जैसी है ऐसे कैसे लिखो, फिर उसके बाद पहला कॉलम और दूसरा कॉलम उसको दोबारा से लिखिए। तो पहला कॉलम है आपका 2 8 -1, दूसरा कॉलम है आपका 4 5 और 3। क्लियर है सभी को? अब आपको ऊपर से लाइन खींचनी थी, पहली लाइन आपकी होती है पहली, ये हो गई आपकी दूसरी, और ये हो गई आपकी तीसरी। क्लियर है सभी को? इसी प्रकार से नीचे से तीन लाइन खींचनी है आपको, ये हो गई आपकी पहली लाइन, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन, और ये हो गई आपकी तीसरी लाइन। क्लियर है सभी को? अब देखिए पहली लाइन, दूसरी और ये तीसरी, इस लाइन पर जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा करिए। तो ये बराबर किसके होगा, देखिए
गुना माइनस एक गुना पांच गुना एक माइनस इसमें कितने कौन कौन से आ रहे हैं, तीन गुना दो गुना दो, तीन गुना दो माइनस सात गुना आठ गुना चार, सात गुना आठ गुना चार। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसका मिलेगा, सारणिक ए का मान मिलेगा। क्या मिलेगा, सारणिक ए। सारणिक ए के मान को आप डिटरमिनेंट ऑफ ए से भी व्यक्त कर सकते हो। या तो इस प्रकार त्रिभुज ये भी क्या होता है, सारणिक का मान होता है। ए सारणिक ए के मान को या इस त्रिभुज कलाकृति से या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। क्लियर है सभी को? तो आप क्या करेंगे, तीन क्रम की जो सारणिक है उसका दो तरीके से मान निकाल सकते हैं, एक तो प्रसार नियम से और एक सारुष्य नियम से। क्लियर सभी को? तो जब आपको सारुष्य नियम से सारणिक का मान निकालना है, जब आप